नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में दलितों के एक समय पर मुख्य चेहरे बने हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर कब तक अपनी राजनीति में आगे बढ़ते नजर आएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव में अपनी ही सीट कुशीनगर से बुरी तरह हार का सामना कर चुके हैं। अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसके बाद अब उपचुनाव में साख जो है वो अपनी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य, खुद जो संगमित्रा मौर्य इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं, बीजेपी ने इस बार संगमित्रा मौर्य का लोकसभा चुनाव में टिकट काट लिया था, बदायूं की सीट से किसी और को सांसदी का पद दिया था, सांसदी के चुनाव पर उतारा था, लेकिन बदायूं की सीट बीजेपी के हाथ से रेत की तरह फिसल गई। कहीं ना कहीं संगमित्रा मौर्य मंच पर रोती नजर आई। स्वामी मौर्य कहते नजर आए कि मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है जो एक मात्र केवल टिकट कटने की वजह से रोती अब बिलखती नजर आए। अब स्वामी मौर्य और संगमित्रा मौर्य दोनों ही कहीं ना कहीं दल बदल सकते हैं या गठबंधन की ओर जा सकते हैं। संगमित्रा की बात करें तो कहीं ना कहीं गठबंधन संगमित्रा मौर्य करने के लिए तमाम बड़े प्रयास कर रही हैं, और अटकलों का दौर ये कहता है कि मायावती की पार्टी स्वामी मौर्य और संगमित्रा मौर्य को कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका दे सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात पर है कि बीएसपी ने अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और संगमित्रा मौर्य को चुनाव लड़ने का मौका दिया तो अखिलेश यादव आखिर इस बात पर कैसे कहीं ना कहीं अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। क्योंकि अखिलेश यादव के खेमे में पहले ही इस बात पर हलचल है कि मायावती अखिलेश यादव के साथ ना तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए हाँ करती नजर आई और ना ही उपचुनाव में हामी भर रही हैं गठबंधन की ओर। तो क्या मायावती अगर स्वामी मौर्य और संगमित्रा मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल करती हैं या गठबंधन करती हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ, तो अखिलेश यादव आखिर इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि बौखलाहट अखिलेश यादव के खेमे में भी लगातार बढ़ रही है। सवालों का दौर यह भी कहता है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद की ओर जा सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन होता है तो मायावती का खेमा भी कहीं ना कहीं बौखला उठेगा और अखिलेश यादव का भी। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और संगमित्रा मौर्य बड़े कदम उठाते नजर आ सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आपको क्या लगता है, इस पूरी खबर पर अब आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।